साथियों, जो 12,000 क्वेश्चन की श्रृंखला चल रही थी उसका आज ये नेक्स्ट पार्ट है। देखिए इसमें क्या क्या हो चुका है, आपको दिखा दूँ। ये सब सभी पार्ट पहले से चैनल पे अपलोड हैं। और आज हमारा टॉपिक क्या है, आज हमने सोचा कि अभी कुछ तो बाकी है, देखिए अभी मानव रोग बाकी है, लेकिन आज हमने सोचा विविध को आज ले लेते, तो आज हम विविध वाला चैप्टर ले रहे हैं। तो वीडियो जितना प्रीवियस वीडियो है उनको भी देखना ना भूलें। तो चलते हैं प्यारे साथियों, आज की श्रृंखला प्रारंभ करते हैं। आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है कि फार्मिक अम्ल का उत्पादन कहाँ पर होता है। पहला ऑप्शन है चींटियों द्वारा, काकरोच द्वारा, लाल चींटियों द्वारा या मच्छरों द्वारा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, फार्मिक अम्ल किसके द्वारा, तो आप बताओगे लाल चींटियों द्वारा उत्पादित। क्या देखिए इसमें लिखा सफ़ेद चींटी, तो इसमें कन्फ्यूज ना हो। लाल चींटियों द्वारा जो होता है फार्मिक अम्ल का उत्पादन होता है। आप देखिए लाल चींटी जब काटती है तो परपराहट सी शरीर में होती है, तो किसके कारण से, फार्मिक अम्ल के कारण से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विशालतम पक्षी है, कौन सा विशालतम पक्षी है, इमू है, शुतुरमुर्ग है, अल्ट्रा अल्बाट्रोस है, साइबेरियन साइरस है। तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा पक्षी क्या है, शुतुरमुर्ग हो जाएगा या ऑस्ट्रिच होगा। सबसे बड़ा कोशिका किसका होता है, तो शुतुरमुर्ग के अंडे का ही सबसे बड़ा कोशिका होता है। निम्नलिखित में कौन सा सबसे छोटा पक्षी है, सबसे छोटा पक्षी कौन सा, कबूतर है, तोता है, हमिंग बर्ड है, गौरैया। तो इसका उत्तर हो जाएगा सबसे छोटा पक्षी क्या हो जाएगा, तो आप क्या उत्तर बताओगे प्यारे साथियों, हमिंग बर्ड क्या है, सबसे छोटा पक्षी होता है। और हमिंग बर्ड को और किस नाम से, तो आप बताओ गुंजन पक्षी के नाम से जाना जाता है, गुंजन पक्षी। और किबी ना उड़ने वाला पक्षी कौन सा, तो बताओ किबी है, इसे गुंजन पक्षी के नाम से जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से कौन सा विशालतम स्तनपायी है, हाथी है कि व्हेल है कि डायनासोर है कि गैंडा है। तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में साथ साथ करते रहें या चैट बॉक्स में करते, इसका उत्तर क्या हो जाए, ब्लू व्हेल। व्हेल क्या है, विशालतम स्तनपायी है। और यदि कहा जाए धरातल पर रहने वाला विशालतम, तो क्या बताओगे प्यारे साथियों, हाथी हो जाएगा। और डायनासोर क्या है, तो आप बताओगे ऐसे सरीसृप जो क्या थे, विलुप्त हो चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा पशु जो अपेक्षाकृत अधिक ग्रीष्म ताप को सहन कर सकता है, भैंस है, गाय है कि बकरी की गधा। तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, बकरी जो है अधिक ग्रीष्म ताप को क्या कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा सर्वाधिक लंबा पक्षी, सबसे लंबा पक्षी कौन है, तो मोर है, पेंगुइन है, शुतुरमुर्ग है, इमू। लंबे की बात हो रही है, तो आप इसका उत्तर क्या बताएंगे, शुतुरमुर्ग क्या है, सबसे लंबा पक्षी है, यानी ऑप्शन प्यारे साथियों सी या सा करेक्ट हो जाएगा। साथ साथ आप क्वेश्चन कमेंट में आंसर जरूर करते रहें। क्वेश्चन है, मधुमक्खी का विष किसका होता है, कैसा होता है, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, लवणीय, प्रोटीन युक्त होता है। तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या बताओगे, मधुमक्खी का विष क्या होता है, तो बताओगे अम्लीय होता है। अब मधुमक्खी के जो डंक से क्या निकलता है, तो मेथनोइक एसिड निकलता है। देखिए मेथनोइक, माँ से मधुमक्खी माँ से मेथनोइक आपको याद करके रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आलू कंद को दो भागों में काटा जाता है, तो कटे हुए भाग पर आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को छिड़काव किया जाता है, यह किस रंग बदलाव में प्रदर्शित करेगा। पहला भूरे नीले, भूरे से नीले काले में, भूरे से नारंगी लाल में, नील से गुलाबी में या गुलाबी से नीले हरे में। तो इसका उत्तर प्यारे साथियों आप क्या बताओगे, भूरे से नीले काले कलर में हो जाएगा। इस क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा टफ क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा आपको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। क्वेश्चन है, निम्न में से पार्किंसन बीमारी के उपचार की खोज का योगदान करने वाले नोबल पुरस्कार प्रदान किया गया था, किसे प्रदान किया गया था। पहला है अर्बिट कार्लसन को, वाल्टर कान को, रॉबर्ट बी लाफ्टिन को या मुरीद मुराद को। तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या बताओगे, अर्बिट कार्लसन को जो है पार्किंसन बीमारी के उपचार की खोज के लिए जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलते हैं, किस औषधि का प्रयोग ज्वलन प्रतिरोधी के रूप में किया जाता है, मोटर फॉर्मिन के, डाई एजेपॉन के या लोटे इन प्रोडक्ट में या प्रोड इनोजोन के। तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या बताओगे, किसका प्रयोग जो है जलन यानी जलने पर जो उसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो बताओ प्रेडनाइजोन का प्रयोग किया जाता है। देखिए इन सब औषधियों भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है, किस औषधि का प्रयोग तनाव प्रतिरोधी के रूप में किया जाता है, टेंशन के प्रतिरोधी के रूप में किया जाता है। पहला है ऑक्सीब्यूटाडाइन, ट्रामाडोल, सुमाट्रिप्टान या ब्रुपोपियान। तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, आपको बता दूं बुप्रोपियान का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए, तनावरोधी।
प्रतिरोधी के रूप में किया जाता है। किस औषधि का प्रयोग मोतियाबिंद के उपचार के लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन है फेक्सोफेनाइडाइन, केटोकोनाजोल या लेट्रोनप्रोट या आइब्रोफेन। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, मोतियाबिंद के लिए किसका, लेट्रोनप्रोट का प्रयोग किया जाता है। किस औषधि का प्रयोग मधुमेह प्रतिरोधी के दवा के रूप में किया जाता है? मेटामर्फिन, जोलपिडेन, प्रोमेथाइमिन या हाइड्राजलाइन। तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, मेटामर्फिन का प्रयोग किसके लिए, मधुमेह के नामक बीमारी के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन है किस औषधि का उपयोग दर्द निवारक के रूप में किया जाता है? तो आप बताओगे ट्रेमाडोल का प्रयोग किसके रूप में, तो बताओगे दर्द निवारक के रूप में किया जाता है। किस औषधि का प्रयोग ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डी वाले उपचार में किया जाता है? तो राइस्ट्रोनेटिन, ट्रेमाडोल या प्रोमेथाजाइन या लिबोथायराक्सिन। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस में किसका, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको बता दो राइस्ट्रोनेट का प्रयोग किया जाता है। बुजुर्गों में क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी के हड्डियों में छेद हो जाते हैं, उसका इलाज जो है राइस्ट्रोनेट का प्रयोग किया जाता है। वृक्ष की पथरी किसकी बनी होती है? तो इसका उत्तर लगभग सभी लोग जानते हो किसकी बनी होती है, तो आप क्या बताओगे प्यारे साथियों, कैल्शियम ऑक्जिलेट की बनी होती है वृक्ष की पथरी, या किडनी की पथरी कह सकते हो, कैल्शियम ऑक्जिलेट की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ऐसी दवा जिसे डॉक्टर लोग शांत करने के लिए उन्हें नींद आने के लिए देते हैं, तो किसका प्रयोग करते हैं? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आप बताओगे ब्रॉबी ड्यूरेट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो बताओगे शांत करने के लिए किया जाता है मरीज को, या नींद खिलाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन है कृत्रिम हृदय का आविष्कार किसने किया था? तो मोहम्मद यूसुफ ने, लाइनस एले जूनियर ने, गाजी यासर गिल ने या पॉल विंसलन ने। तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, आपको बताओ पॉल विंसल ने जो है इसका आविष्कार किया था, कृत्रिम हृदय का आविष्कार किया था। किस औषधि का प्रयोग प्रतिजैविक के रूप यानी एंटीबायोटिक के रूप में किया जाता है? तो मेटामार्फिन, रेनेटिडाइन, एजिथ्रोमाइसिन या आइबोसप्रोफेन। तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा एजिथ्रोमाइसिन का प्रयोग जो होता है एंटीबायोटिक के रूप में किया जाता है। किस औषधि का उपयोग उपचार के लिए किया जाता है? किसके, एलर्जी के उपचार के लिए। देखिए ये कंपटीशन के साथ साथ आप डेली लाइफ में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। पहला है फेक्सोफेनाइडाइन, कीटोकोनाजोल, एजिथ्रोमाइसिन या ब्यूटोप्रोलोन। तो इसका उत्तर आपको क्या हो जाएगा, फेक्सोफेनाडाइन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो बताओगे एलर्जी के इलाज के लिए किया जाता है फेक्सोफेनाडाइन, ये उसका शॉर्ट नेम है। एनाल्जेसिक क्या है, पहला ऑप्शन अम्लीय निवारक है, दर्द निवारक है, खुजली निवारक है, सूजन निवारक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आप बताएंगे दर्द निवारक के काम करता है एनाल्जेसिक। निम्न में से कौन सी एक ऐसी अजैविक पर्यावरण का हिस्सा नहीं है पूछा जाता, पादप है कि वायु कि जल या मिट्टी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आपको बता दूं पादप जो क्या है अजैविक का हिस्सा नहीं, ये जैविक है और सभी जो है अजैविक के हिस्से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस औषधि का प्रयोग तनाव निवारक के रूप में किया जाता है? तो वारफरीन, डाइजेफान या लैटिनो प्रोडक्ट या हाइड्रालाजाइन। तो किसका प्रयोग किया जाता है तनाव के लिए, तो आप क्या बताओगे डाइजेपाम का प्रयोग जो है तनाव निवारक। क्वेश्चन है ऊंट रेगिस्तान का एक जानवर है जो बिना जल के कई दिनों तक जीवित रह सकता है क्योंकि इसे जल की कोई आवश्यकता नहीं, वसा के ऑक्सीकरण के कारण इसके शरीर के भीतर जल का निर्माण होता है, इसके उदर में दीवारों में पानी की थैली पाई जाती है। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा वसा के ऑक्सीकरण के कारण शरीर के भीतर ही जल का निर्माण हो जाता है, वसा से क्या करता है जल का निर्माण करता है। WHO के अनुसार तापमान की किस सीमा के ऊपर पकाए गए भोजन की बर्ड फ्लू वायरस का संक्रमण नहीं हो सकता है? तो 60 डिग्री सेल्सियस, 70 डिग्री सेल्सियस, 90 डिग्री या 100 डिग्री। तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, 70 डिग्री सेल्सियस तक कोई भोजन पकाया तो उससे क्या है बर्ड फ्लू नहीं हो सकता है, मतलब यदि बना रहे हैं आप कौन मुर्गे को या 70 डिग्री सेल्सियस से ऊपर उबाले हैं तो बर्ड फ्लू आपको होने के चांसेस बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। एक वयस्क पुरुष में सामान्यतः RBC की संख्या कितनी होती है? 5.5 मिलियन, 0.50, 4.5 मिलियन या 4 मिलियन। तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, 5 मिलियन जो होती है RBC संख्या एक वयस्क मनुष्य में होती है। एक सामान्य व्यक्ति में हृदय का औसत गति कितना होता है? तो इसका उत्तर आप समझ गए होंगे 72 जो है एक मिनट में 72 बार धड़कता है। विनेगर का रासायनिक नाम क्या है? पहला है साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, पायरूबिक अम्ल या मैलिक अम्ल। तो इसका उत्तर हो जाएगा विनेगर का क्या हो जाएगा, तो आप बताओगे एसिटिक अम्ल हो जाएगा, जबकि नींबू में क्या पाया जाता है खट्टे फलों में, तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है।
माइलिक अम्ल किस में पाया जाता है बताओ, सेब में माइलिक अम्ल पाया जाता है। माइटोकार्डिया का जो है लास्ट उत्पाद क्या है तो बताओ, पाइरूविक अम्ल होता है। एक खाद्य श्रृंखला में पदार्थों द्वारा उपयोग किए जाने वाली सूर्य डर्मा यानी सूर्य ऊर्जा की मात्रा है कितना, 10%, 1% या 0.1% या 0.1%, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1% होता है। चलते हैं, वह तेल जो जल शोध उत्पन्न करता है, जल शोध उत्पन्न करता है, पहला ऑप्शन है मूंगफली, नारियल, सूर्यमुखी तेल, अर्गमोन तेल, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आप बताओगे अर्गमोन तेल क्या करता है, जल शोध उत्पन्न करता है। भारी मात्रा में शराब का सेवन करने वाले व्यक्ति की मृत्यु प्रायः किस वजह से हो जाती है, तो इसका उत्तर पहला है रक्त कैंसर, सिरोसिस, यकृत या आमाशय कैंसर, हृदय में मांसपेशियों की कमजोरी होने के कारण या हृदय का, तो इसका उत्तर क्या साथी हो जाएगा, यकृत सिरोसिस कह सकते हो। कौन सी बीमारी होती है शराब पीने वाले को, तो यकृत सिरोसिस नामक बीमारी हो जाती है, इसी कारण से मृत्यु हो जाएगी। सर्वाधिक जैव क्षति किसके द्वारा होता है, एक्स किरण द्वारा, गामा किरण द्वारा या बीटा या अल्फा, तो सबसे ज़्यादा क्षति कौन पहुँचाता है, तो सबसे ज़्यादा क्षति कौन होता है, गामा किरणों के द्वारा होता है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एंजाइम के प्रोटीन युक्त भाग को क्या कहते हैं, आइसो एंजाइम, होलो एंजाइम, एपो एंजाइम, उपरोक्त सभी, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप बताओ, एपो एंजाइम कहते हैं, एंजाइम के प्रोटीन वाले भाग को एपो एंजाइम कहा जाता है। अलसी का बीज किससे प्राप्त होता है, रेड़ी से, सन से, मूंगफली से, तिल से, तो अलसी का बीज किससे प्राप्त होता है प्यारे साथियों, तो आप क्या बताओगे, सन से प्राप्त होता है अलसी का बीज। कृष्मक कारक शामिल है किसमें, रक्त जमाव में, उत्सर्जन में, पाचन में या श्वसन में, तो कृष्मक कारक किसमें संबंधित है, तो बताओगे रक्त जमाव से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह ब्लॉटिंग या सोखता तकनीक किसका प्रयोग निष्कासित प्रोटीन की पाचन के लिए किया जाता है, तो क्या बताएंगे इसका उत्तर प्यारे साथियों, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वेस्टर्न ब्लॉटिंग के नाम से जाना जाता है। निम्न से कौन सा प्रोटीन बालों में पाया जाता है, बालों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो यहाँ पर बालों में कहा जाता है केराटिन के नाम से होना चाहिए, यहाँ केरोटीन लिखा है, केराटिन, केराटिन पाया जाता है, यहाँ पर एकदम करेक्ट नहीं लिखा, तो केराटिन कहते हैं उसे, केरोटीन जो है गाजर में प्रोटीन नाम पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जांच एवं उपचार की नीति का शुरुआत के मरीजों के लिए किया गया, तो किसके लिए किया गया, तो आप क्या बताओगे प्यारे साथियों, एचआईवी के लिए किया, एचआईवी मरीजों के लिए किया गया था, जांच तथा उपचार का व्यवस्था किया गया था फ्री ऑफ कॉस्ट। निम्न से कौन सा प्रोटीन नाखूनों में पाया जाता है, नाखून में भी यही केराटिन होना चाहिए, तो केराटिन पाया जाता है या केराटिन, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नर युग्मकों को कहा जाता है, युग्मनज कहा जाता है, अंडाणु कहा जाता है, शुक्राणु या भ्रूण कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो इसका उत्तर क्या बताएंगे, नर युग्मजनों को क्या कहता है, तो आप बताओगे शुक्राणु कहा जाता है। मादा युग्मजनों को क्या कहा जाता था, तो देखो नर को शुक्राणु, तो मादा को क्या कहा जाता है, तो आप बताओगे अंडाणु कहा जाता है। एक कोशिकीय जीवों के पाचन, श्वसन और जनन की क्रिया कितने कोशिका या कोशिका, कितनी कोशिकाएं भाग लेती हैं, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, एक कोशिका भाग लेती है, श्वसन जनन क्रिया में कितनी कोशिका, तो बताओ एक कोशिका। क्वेश्चन है, भारत में वायु प्रदूषण यानी रोग नियंत्रण अधिनियम 1981 में लागू हुआ, किंतु में इसका संशोधन कर ध्वनि को एक प्रदूषक के रूप में शामिल किया गया, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप बताओगे, 1987 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, प्रशीतक खाद्य का आविष्कार किसने किया था, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, यानी फ्रिज, तो क्लोरेंस बर्डसे ने किया था प्रशीतक खाद्य का आविष्कार। चलते हैं, कौन से शरीर की सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका जो है शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, पूरे शरीर में इसका बिछाया है, जैसे आप कहीं पर भी कटे तो तुरंत आपको माइंड को पता चले, इसका मतलब पूरी जगह इसका शरीर माइंड करना तार पूरे शरीर में बिछाया हुआ है। अल्ट्रासाउंड किसने की खोज किसने किया, तो इसका उत्तर आप क्या बताओगे, इवान डोनाल्ड ने जो है अल्ट्रासाउंड की खोज की थी। इनमें से कौन सा दही निर्माण के उत्तरदायी, दही निर्माण के लिए कौन उत्तरदायी है, लाइकोपोडियम ईस्ट या लैक्टोबैसिलस या कवक, तो कौन इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाए, लैक्टोबैसिलस का है उत्तरदायी है। एक कोशिकीय जीव किस प्रकार का जनन करता है, एक कोशिकीय जीव आप क्या बताओगे किस प्रकार, तो कोशिकीय विभाजन के द्वारा जो है जनन करता है। एक नर के सहायक जनन नलिकाओं में शामिल है,
वृषणीय, लघुधमनी, अधिवृषण या शुक्रवाहिका तथा और क्या शामिल है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, तो वृषण जालिका भी इसमें क्या है, शामिल है। चलते हैं, एक नर जनन तंत्र में वृषण उदर गुहा के बाहर एक थैली स्थित होती है, जिसे क्या कहते हैं? ग्रंथि कहते हैं, अंडकोश थैली कहते हैं, शुक्रजनक नालिका कहते हैं, वृषण खंड कहते हैं। तो क्या कहा जाता है? तो आप बताओ, इसे अंडकोश थैली के नाम से जाना जाता है। एक बहुकोशिकीय जीव किस तरह से वृद्धि करता है? तो कोशिका समृद्धि द्वारा, कोशिका विस्फोटन द्वारा, अंतः विस्फोटन, कोशिका विभाजन द्वारा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको बताओ? कोशिका विभाजन द्वारा जो है वृद्धि करता है। मनुष्य का भी विभाजन कोशिका विभाजन द्वारा ही वृद्धि होता है। नेक्स्ट, मादाओं में अंडाशय के उदर में हिस्सों में स्थित होगा, कितने हिस्सों में होता है? तो बताओगे, एक हिस्सों में जो है विभाजित होगा अंडाशय। मादाओं में गर्भाशय होता है तो कितना बताओगे? तो गर्भाशय कितने? तो गर्भाशय मादा में कितने? एक ही होते हैं। नेक्स्ट है, प्रत्येक नर प्रजनन के वृषण में अनुभाग होते हैं, जिसे वृषण खंड कहते हैं। कितने भागों होते हैं? तो बताओ, 250 अनुभाग होते हैं, इसे क्या कहा जाता है? वृषण खंड कहा जाता है। चलते हैं, नेक्स्ट है, एक प्राथमिक मादा प्रजनन अंग जो विभिन्न प्रकार के स्टेरॉइड हार्मोनों तथा मादा युग्मक उत्पन्न करता है, तो आप क्या बताओगे? अंडाशय उत्पन्न करता है। क्वेश्चन है, चेरा रियस जॉनसन द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? तो इसका उत्तर क्या बताओगे? सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो जेचा रियस जॉनसन द्वारा आविष्कार। प्यारे साथियों, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए सेशन में। जय हिंद, जय